पांव पर, बाजों पर, जिस्म के किसी हिस्से पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके हाथों पांव पे अगर किसी किस्म के कोई निशानात है या चेहरे पर भी, या आपके हाथ पांव खुरदरे पर रौनक है तो वो निखर भी जाएंगे और उसके साथ साथ नरम मुलायम भी हो जाएंगे, और चेहरे पर भी अगर निशानात है तो वो भी स्लो स्लो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। बहुत आसानी के साथ आप इस लोशन को घर पे बना सकते हैं और ये चीजें भी घर पे ही आपको मिल जाएंगी। आपको एक चम्मच लीमू का रस चाहिए, एक चम्मच लीमू के रस में आपने एक चम्मच ग्लिसरीन का डालना है और एक ही चम्मच गुलाब का अर्क डालना है। तीनों चीजों को मिक्स करके आपने सारी रात इसे चेहरे पर लगाए रखना है, हाथों पांव पर भी लगाएं, बाजुओं पर भी लगाएं, नेक पर भी लगाएं और सुबह उठ के वॉश कर दें। और दिन टाइम में भी आप इसको लाजमी लगाएं एक दो दफा। और आप अगर आप इसे लोशन की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक से डेढ़ चम्मच जो है वो वैसलीन लोशन शामिल कर लें। आप इसको मिक्स करेंगे तो वो गाढ़ा सा लोशन बन जाएगा। इसे आप अपने चेहरे पर आसानी से लगा सकते हैं। इससे ग्लिसरीन की अगर किसी किस्म की आपको स्मेल वगैरह है वो भी नहीं आएगी और अप्लाई करने में भी आसानी रहेगी और बहुत जल्दी ये जज़्ब भी हो जाएगा। इसे आप 15 साल से ऊपर के बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़कियां भी। आप इस किस्म के किसी हिस्से पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, क्योंकि वीडियो खत्म हो चुकी है, जिसमें मैं आपको ये कहूंगी कि कभी किसी ऐसे शख्स पर जुल्म ना करो जिसके पास फरियाद के लिए अल्लाह ताला के सिवा कोई भी ना हो। उम्मीद करती हूँ आप इस बात पर गौर करेंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में फिर मुलाकात। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक